अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के बारे में, जिन्होंने अपने फॉल एडमिशन 2022 की अनाउंसमेंट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को। तो अगर हम इसके एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन किया है कि जो इंटरव्यू है वो PhD कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा 21 सितंबर 2022 को, और एंट्री टेस्ट डेट एंड टाइमिंग जो 4 एंट्री टेस्ट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का वो 10 सितंबर 2022 को था, जो कि जिसकी डेट गुजर चुकी है। लेकिन जो MSc MPhil PhD प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट है वो 29 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं, तो फैकल्टी ऑफ क्रॉप्स एंड फूड साइंस में हमें PhD ऑफर करवाई जा रही है एग्रोनॉमी एंटोमोलॉजी फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी। अगर इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते चलते हैं तो इसमें 3 CGPA रिक्वायर्ड है, 70% आपके सब्जेक्ट टेस्ट में मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा PhD एप्लीकेंट जो है उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्रपोजल अलॉन्ग विथ कॉन्स्टेंट लेटर फ्रॉम कंसर्न सुपरवाइजर विथ जस्टिफिकेशन ऑफ सोर्स वो भी रिक्वायर्ड है आपकी एप्लीकेशन के साथ। इसके साथ अगर फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर हम बात करते हैं इसमें MSc 2 years प्रोग्राम की, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रोनॉमी एंटोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स प्लांट पैथोलॉजी ऑफर करवाई जा रही है। इसके लिए आपका GPA 2.5 रिक्वायर्ड है एंड मस्ट हैव पास यूनिवर्सिटी टेस्ट, यानी कि इसके लिए आपके लिए कंपलसरी है कि आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास आउट किया हो। MPhil फॉरेस्ट्री 2 years मॉर्निंग ऑफर करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपका 2.5 CGPA रिक्वायर्ड है और उसमें भी आपका एंट्री टेस्ट पास होना लाजमी है। BSc 4 year मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए FSc प्री मेडिकल में 50% मार्क्स एंड प्री एग्रीकल्चर विद CGPA एटलीस्ट 2.5 मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट का डोमिसाइल होना चाहिए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड बरानी एरियाज ऑफ पाकिस्तान अदर देन ओपन मेरिट एंड स्पेशल कोटा एंड इवनिंग प्रोग्राम्स। फॉर ईच कोटा सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड। आपको अगर मोर देन वन प्रोग्राम में अप्लाई करना है, यानी कि आपने सेल्फ स्पॉट भी अप्लाई करना है इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों के लिए, आपको सेपरेट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। चोलिस्तान कोटा एंड सर्टिफिकेट ऑफ चोलिस्तान अथॉरिटी, यानी अगर आप कोटा की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं चोलिस्तान के, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा जो चोलिस्तान की अथॉरिटी से आपको अप्रूव हुआ मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉमिनेटेड कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट कोटा शुड हैव सबमिट अलॉन्ग विद नॉमिनेटिंग बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो आपको जो नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट है कैंडिडेट को बिफोर क्लोजिंग डेट सबमिट करवाना होगा। शेड्यूल इनरोल्ड विद स्ट्रिक्टली फॉलोड, आपको शेड्यूल को मस्ट फॉलो करना होगा एंड क्वालिफाई करना होगा यूनिवर्सिटी टेस्ट। फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपके FSc प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल में 50% मार्क्स, CGPA 2.5 अगर आप प्री एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और टेस्ट आपने कंपल्सरी पास आउट किया हो। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में आपको PhD मॉर्निंग ऑफर करवाई जा रही है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन। इसका में आपका MPhil एंड MS में 3 CGPA रिक्वायर्ड है फॉर एडमिशन के लिए। इसमें भी आपके टेस्ट का पास होना लाजमी है, जिसमें आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। MPhil 2 year मॉर्निंग में हमें एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एनिमल न्यूट्रिशन वेटरनरी सर्जरी वेटरनरी पैथोलॉजी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट वेटरनरी मेडिसिन एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें भी एटलीस्ट आपका 2.5 CGPA एंड मस्ट हैव पास्ड एंट्री टेस्ट। DVM हमें 5 years का ऑफर करवाया जा रहा है, जिसमें FSc प्री मेडिकल में 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। डिस्ट्रिक्ट कोटा कैंडिडेट्स हैव डोमिसाइल, यानी कि जो कोटा की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। ओपन मेरिट सीट है ऑल पंजाब बेसिस एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा एनिमल साइंस एंड पोल्ट्री साइंस की बात करें तो इसमें भी 50% आपके मार्क्स रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। सीड स्टोन्स ये ऑन दी ऑल ओवर पंजाब पोल्ट्री साइंस सीड्स आर आल्सो पाकिस्तान बेसिस ऑफ एनिमल साइंस। इसके अलावा में भी आपका टेस्ट पास आउट करना लाजमी है, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा वो टोटली टेस्ट पास की बेस पे होगा। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में PhD में ऑफर करवाई जा रही है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, उसमें आपका 3 CGPA होना चाहिए और 70% मार्क्स टेस्ट में से होने चाहिए। इसके अलावा एंट्री टेस्ट फीस जो 2000 rupees यहाँ पे मेंशन की हुई है। MSc के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसमें आपका CGPA जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख सकते हैं कि 2.5 CGPA है और टेस्ट आपका पास आउट होना चाहिए और टेस्ट की जो फी है वो है 2000 rupees। BSc का भी आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IT डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम हमें ऑफर करवाया जा रहा है। स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। एमएससी की बात करते हैं तो हमें कंप्यूटर साइंस और 2 ईयर्स मॉर्निंग, इसके साथ सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मैं आपको बता चुकी हूँ पीएचडी का, एमएस का एंड बीएससी का, तो सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको बीएससीएस ऑफर करवाए जा रहे हैं, बीएससी ऑफर करवाए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वॉइस ट्रांसलेटर, टैलेंट स्कॉलरशिप, एहसास, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, पंजाब एजुकेशनल। इसके अलावा ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट को ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ हम बात करते हैं इनकी फैकल्टी ऑफ साइंस के बारे में, तो हमें बॉटनी एंड जोलॉजी में पीएचडी ऑफर करवाई जा रही है, एमफिल हमें ऑफर करवाया जा रहा है बॉटनी बायोलॉजी स्टेटिस्टिक्स जोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में, तो उसका सीजीपीए 2.5 रिक्वायर्ड और एंट्री टेस्ट मस्ट पास। बीएससी 4 ईयर बायोलॉजी बॉटनी एंड जोलॉजी में। इसके अलावा आपके पास है 4 ईयर मॉर्निंग एंड इवनिंग मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का प्रोग्राम है, जिसमें अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एडमिशन के लिए बीएस स्टेटिस्टिक ऑफर करवाए जा रहे हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस पीएचडी हमें इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में ऑफर करवाई जा रही है। इसके अलावा एमएससी होम इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एमफिल हमें 2 ईयर्स ऑफर करवाए जा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, एजुकेशन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी में, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा बीएस 4 ईयर मॉर्निंग एंड इवनिंग एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन की गई है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास है पीएचडी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल 2 ईयर्स बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में ऑफर करवाया जा रहा है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ 4 ईयर में मॉर्निंग एंड इवनिंग बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। किसी भी आपने सब्जेक्ट में अप्लाई करने फॉर बीएस के लिए तो आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपके लिए कंपलसरी है कि आपने लाजमी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्वालिफाइड किया हो, यानी कि अगर आप टेस्ट में पास आउट होंगे तो देन ही आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा हमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हाइड्रोपोनिक्स का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन है, डिप्लोमा हम इसमें ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो हमें पीएचडी इसमें ऑफर करवाई जा रही है, एमएस 2 ईयर मॉर्निंग एंड जियो इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम्स ऑफर करवाया जा रहा है 4 ईयर। इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई किया है ईच सब्जेक्ट में वो 19 सितंबर है, लेकिन इनकी जो टेस्ट इंटरव्यू डेट है वो ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी बेस में आपका एडमिशन होगा। ये फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम्स की डिटेल्स मौजूद है इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस। इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सिटी सब कैंपसीज, अगर खुशाब की हम लोग बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं, उसमें भी अगर आपके 55% मार्क्स हैं फिर प्री मेडिकल में तो आप एलिजिबल हैं। फॉर फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस, फिफ्थ सेमेस्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएस एनिमल साइंस 4 ईयर प्रोग्राम, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, फार्मर मशीनरी पावर सर्टिफिकेट 6 मंथ का, आपको ये भी डिप्लोमा एक ऑफर करवाया जा रहा है। अगर आपके मेट्रिक में 45% मार्क्स हैं तो आप इस डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर सब कैंपस खुजाब के लिए, एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर सब कैंपस खुशाब में से, आपको इनके जो ऑफिस है एडमिशन ऑफिस वहां से आपको मिलेगा इसका एडमिशन फॉर्म। इसके अलावा अगर हम एडमिशन एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो इसकी एंट्री टेस्ट फी जो सी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की एमएससी एमएस और एमफिल की 1000 रुपीज़ है, जो पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर्म। जब आप एडमिशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको सबमिट करवानी होगी, और एंट्री टेस्ट फी 2000 रुपीज़ विल बी चार्ज फॉर पीएचडी एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वालों की एंड पीएचडी वालों की 2000 फीस है, जबकि जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनकी जो फी है वो है 1000। फॉर जो फोर्थ अंडर ग्रेजुएट एंट्री टेस्ट था, लास्ट डेट थी सबमिशन की 8 सितंबर, और अपलोड करने के डॉक्यूमेंट्स वो भी 8 सितंबर को डिस्प्ले होगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 22 सितंबर को, और सेकेंड इफ रिक्वायर्ड तो 28 को। फी ड्यूज़ की बात करते हैं तो फॉर कैंडिडेट ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद जिनका नाम आ जाता है उनको अपनी फ़ीस सबमिट करवानी होगी 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, और जो सेकंड लिस्ट है उन कैंडिडेट को अपनी फ़ीस सबमिट करवानी होगी 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, वो अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट स्टूडेंट के लिए मेंशन किया हुआ है, तो इसको आपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है, यानी कि इसमें अगर आपने बीएस एमफिल के लिए टेस्ट देना है तो उसमें आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, बट अगर आप दे रहे हैं पीएचडी के लिए टेस्ट तो उसमें आपके कंपलसरी है कि 70% मार्क्स हो तो देन ही आप एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन के लिए। इसके अलावा आप इसमें अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्दर ने रिजल्ट अपलोड किया हुआ है फोर्थ एंट्री टेस्ट का, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हुआ था, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे एंटी टेस्ट पैटर्न है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारे पास एंटी टेस्ट पैटर्न मौजूद है, सेंटेंस कंप्लीशन,
एनालॉजी एनाटॉमी कॉम्प्रिहेंसिव सिनोनिम्स एनालिटिकल के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये आप 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 120 मिनट्स होंगे। इसकी डिटेल मेंशन है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। इस तरह एंटी टेस्ट डिटेल्स अगर आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, यानी कि एंटी टेस्ट डेट वेन्यू, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है मेरे से एडमिशन के अबाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें लास्ट डेट जो आप अप्लाई की एडमिशन की 19 सितंबर है, उसके बाद इनके एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।